Hello everyone, welcome to our YouTube channel Avision Institute, Avision for Government Job. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज हम आपके लिए लेके आते हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स और जो आज का टॉप 10 करंट अफेयर्स है वो है 18 मार्च के ऊपर और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं ताकि वो भी सेशन का फायदा उठा सके. ओके, लोगों का जुड़ना चालू हो गया है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और आप सभी जानते हैं कि हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं रिकैप सेशन में. मींस पिछले सेशन में जो भी हुआ था हम उसको दो मिनट लेके एक बार रिवीजन कर लेते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिकैप सेशन. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस इट दैट इट हैज वेव ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग एवरेज मंथली बैलेंस फॉर सेविंग अकाउंट. स्टेट बैंक ने ये अनाउंस किया कि एवरेज मंथली बैलेंस जो हम लोग को सेविंग अकाउंट पे मेंटेन करना पड़ता था उसे वेव ऑफ कर दिया गया. मींस अब कस्टमर को जीरो बैलेंस फैसिलिटीज मिलेगी. हमारा नंबर टू है, माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर बिल गेट्स स्टेप डाउन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने अपने पोजीशन जो कि उनका था माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस पोजीशन से वो हट चुके हैं. हमारा नंबर थ्री है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज इंट्रोड्यूसिंग अ फ्री डिजिटल पार्सल लोकल सर्विस इन द सिटी. पहली बार इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से एक इंट्रोड्यूस किया जाएगा फैसिलिटीज को. उस फैसिलिटीज के तहत फ्री डिजिटल पार्सल लोकल सर्विस दिया जाएगा और ये फैसिलिटी सबसे पहले हमारे कोलकाता में शुरू हुआ है और फिलहाल ये फैसिलिटी सिर्फ दो ही जगह यानी न्यू टाउन और सॉल्टलेक सेक्टर एरिया 5 में ही मिलेगा. मूविंग टू नंबर 4, जैसा कि आप देख सकते हैं, द सेंट्रल हैज सैंक्शन रुपीज 365 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट सबरूम. सबरूम में एक नया इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने के लिए सेंटर ने अप्रूव किया 365 करोड़ का. और सबरूम कहाँ है हम आपको बता देते, तो सबरूम त्रिपुरा में है. मूविंग टू नंबर 5, WGHSA वेगास टीम इंटर्स लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर इंडिया फर्स्ट लिविंग क्लिनरी आर्ट म्यूजियम. इंडिया का पहला लिविंग क्लिनरी आर्ट म्यूजियम वो होगा, वेगा टीम इंटर किया है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में पहली बार. नाउ मूविंग टू नंबर 6, हमारे रिकैप का नंबर 6 है. अच्छा, जैसे अभिजीत बैनर्जी ने कहा हेलो मैम, हेलो अभिजीत जी. अजय ने कहा गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग अजय. ओके, नंबर 6 हमारा है, नीता अंबानी हैज बीन नेम इन वर्ल्ड टॉप 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन स्पोर्ट्स लिस्ट रिलीज बाय आई स्पोर्ट्स कनेक्ट. आई स्पोर्ट कनेक्ट के द्वारा रिलीज किए गए वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन स्पोर्ट्स में नीता अंबानी को एंट्री मिली है. हमारा नंबर 7 है, द जीएसटी काउंसिल हैज अनाउंस्ड 18% हाइक इन जीएसटी रेट ऑफ मोबाइल फोन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020. मतलब 1 अप्रैल 2020 से हमारा मोबाइल फोन महंगा होने वाला है क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने जो जीएसटी मोबाइल फोन पे लगते हैं उसका रेट बढ़ा दिया है. जो पहले 12% था वो अब 18% होगा, मीन्स 18%. ओके, नाउ नंबर 8, द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 15 मार्च 2020. वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है. ओके, नंबर 9, द महाराष्ट्र कैबिनेट हैज अप्रूव अ प्रपोजल टू रिनेम मुंबई सेंट्रल स्टेशन एज नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन. महाराष्ट्र कैबिनेट गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दे दिया कि रिनेम किया जाएगा, मतलब मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदल करके नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन किया जाएगा. और लास्ट हमारा रिकैप सेशन का है, द जीएसटी काउंसिल हैज फर्दर एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई इनवॉइसिंग एंड क्यूआर कोड टू 1 अक्टूबर 2020. जीएसटी काउंसिल ने डेडलाइन को बढ़ा दिया, जिस डेडलाइन के तहत जो इम्प्लीमेंट करना था ई इनवॉइसिंग एंड क्यूआर कोड को वो उसको बढ़ाते हुए 1 अक्टूबर 2020 तक कर दिया. तो चलिए हमारा रिकैप सेशन खत्म होता है, हम देख लेते हैं और कौन कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं. अनिकेत ने कहा हेलो मैम, हेलो अनिकेत, आई होप आप लोग आज फिर से अच्छा से आंसर दें. चलिए ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पूछा गया, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर जी एस मुर्मू.
यहाँ बोला गया कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीएस मुर्म के एडवाइजर के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए गए, आंसर दीजिए। किसे अपॉइंट किया गया एज एडवाइजर फॉर जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए? आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा? चलिए ठीक है, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बसीर खान। ऑप्शन नंबर बी, वन का बी, क्लियर। चलिए इंफॉर्मेशन बी हमने आपको दे दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि होम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया है बसीर अहमद खान को जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू के एडवाइजर के रूप में। फिलहाल ये जो बसीर अहमद खान है वो है पोस्टेड डिविजनल कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, क्लियर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर बी। अच्छा, अनिकेत और अजय ने आंसर किया है बी। अच्छा, अजय ने पहले ए कहा था, फिर उन्होंने सॉरी मैम बी कहा। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर टू। यहाँ पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू जल शक्ति मिनिस्टर, ग्राउंड वाटर इन इंडिया इज कॉन्टामिनेटेड विथ विच केमिकल एलिमेंट्स? जल शक्ति मिनिस्टर के मुताबिक हमारा जो ग्राउंड वाटर है इंडिया में, उसमें कौन सा केमिकल कॉन्टामिनेटेड मतलब मिक्स हुआ है आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए, बताइए कौन सा केमिकल मिक्स है हमारे ड्रिंकिंग वाटर में। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है, कौन सा वो केमिकल है जो कि हमारे ग्राउंड वाटर के साथ मिला हुआ है। वैसे हमारे यहाँ पे सब कुछ कॉन्टेमिनेटेड है, अगर आप खाना भी खाओ खोजो ना, वो भी आपको कॉन्टेमिनेटेड मिलेंगे। वेजिटेबल से लेके केमिकल मीन्स कॉस्मेटिक तक सारा चीज कॉन्टेमिनेटेड है, तो फिर ये ड्रिंकिंग वाटर कैसे बिना कॉन्टेमिनेटेड के रह सकता है? क्या आंसर होगा? अजय ने कहा है टू बी, ओके। अजय आपका आंसर बिल्कुल सही है, यूरेनियम, ओके, टू का बी होगा। अनिकेत ने भी टू का बी कहा है, वेरी गुड। जल शक्ति मिनिस्टर जो कि है रतन लाल खत्री है, उनके मुताबिक ये जो अंडरग्राउंड वाटर है हमारे इंडिया में, उसमें यूरेनियम पाया जाता है 30 माइक्रोग्राम पर लीटर, क्लियर। आपको ये बता दें, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक जो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट है ड्रिंकिंग वाटर में यूरेनियम का, वो होना चाहिए 0.03 mg, 0.03 mg होना चाहिए पर लीटर। बट ये कितना है, ये हमारा 30 mg है, तो ऑब्वियस ये काफ़ी हार्मफुल है। अगर हमारे ड्रिंकिंग वाटर में ज़्यादा यूरेनियम पाया जाए, तो सबसे पहला ये हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट, क्या खराब करता है, हमारे किडनी को खराब करता है, ओके। चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री। इंडिया हैज अपील्ड अगेंस्ट द क्लोजर ऑफ अम्बेडकर हाउस मेमोरियल, इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इंडिया ने अपील किया है किसके अगेंस्ट में, क्लोजर ऑफ अम्बेडकर हाउस मेमोरियल। मिस अम्बेडकर हाउस मेमोरियल को क्लोज करने की बात हुई थी, जिसके अगेंस्ट इंडिया ने एक अपील फाइल किया था, वो कौन सी कंट्री में है? मिस अम्बेडकर हाउस मेमोरियल कौन सी कंट्री में है, ये आपको बताना। ऑप्शन दिए गए, बताइए क्या आंसर होगा? थ्री बी। अच्छा, अनिकेत ने बहुत जल्दी आंसर दिया इसका, थ्री बी, वेरी गुड। वेल्स, अजय ने भी थ्री बी दिया है, तो चलिए हम भी थ्री बी दे देते हैं, यूनाइटेड किंगडम, वेरी गुड। थ्री का सही आंसर है बी, जो आप दोनों ने बिल्कुल सही दिया है। एक्चुअली क्या था कि ये जो मेमोरियल हाउस है यूके में, ओके, उसको बंद करने की बात कही गई थी। क्यों उन्होंने जो रीजन दिया था, वो कहा था कि ड्यू टू ब्रिज ऑफ प्लानिंग नॉर्म्स फॉर रेसिडेंशियल एरिया, मतलब रेसिडेंशियल एरिया का जो प्लानिंग नॉर्म्स था उसके ब्रिज, उसको तोड़, मीन्स उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, इसी की वजह से इसे बंद करने के लिए कहा गया था, जिसके अगेंस्ट इंडिया ने अपील फाइल की यूनाइटेड यूके के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और सॉरी नॉट अगेंस्ट, यूके के गवर्नमेंट को, और इस अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया, और ये कहा गया कि ये मेमोरियल हाउस रिमेन ओपन, मतलब खुले रहेंगे विजिटर्स के लिए। आपको हम बता देते, ये जो अम्बेडकर हाउस है वो वहाँ पे हमारे
बाबा साहेब अम्बेडकर रहा करते थे 1921 से 22, जब वो स्टडी कर रहे थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तब वो इस हाउस में रहा करते थे। बाद में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इस हाउस को खरीद के इसे मेमोरियल हाउस में कन्वर्ट कर दिया, जो कि विजिटर्स के लिए ओपन था। बट बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे क्लोजर करने की प्रोसेस हो रहे थे, उसके अगेंस्ट इंडिया ने अपील फाइल की और इससे इस प्रपोजल को अप्रूवल मिल गया। क्लियर? ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे पूछा गया है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड टू स्कीम्स, सीमैट एंड सीमैट, टू बेनिफिट द स्पोर्ट्स पर्सन एंड आर्टिस्ट इन द स्टेट। यहाँ बोला कि वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट है दो स्कीम इंट्रोड्यूस किया, सीमैट एंड सीमैट, जो बेनिफिट करेगा स्पोर्ट्स पर्सन को और आर्टिस्ट को स्टेट के। कौन सा वो स्टेट गवर्नमेंट है, आपको नाम बता दें, जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। 4C, ओके, और क्या होगा बताइए, 4C। अच्छा, अनिकेत और जय दोनों ने ही सी आंसर दिया, तो फिर हम भी इन्हीं के साथ चलते हैं, सी। क्लियर? ओके, मणिपुर गवर्नमेंट ने दो स्कीम को लॉन्च किया है, जो कि सी मैट्स और सी मैट। इस स्कीम के तहत जैसे कि आपको बोल चुके हैं, स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट जो स्टेट के, उनको काफी बेनिफिट दिया जाएगा। अगर हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बता देते, तो ये जो सीमैट्स स्कीम है, इस स्कीम की बात हम पहले कर लेते, तो इस स्कीम के तहत रिक्वायर किया जाएगा 7.36 करोड़, और इसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई मेडल जीतते हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मीन्स गवर्नमेंट जॉब मिलेगा एज पर द क्राइटेरिया। ओके, दूसरा इन लोगों को बेनिफिट ये दिया जाएगा कि अगर वो कुछ कॉस्टली स्पोर्ट्स आइटम्स खरीदना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट उसमें भी उनको मदद करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे बेनिफिट जो दिया जाएगा वो ये है कि अगर कोई ओलंपिक मेडल जीतता है, लाइक अगर गोल्ड जीतता है, तो स्टेट गवर्नमेंट उन्हें 1 करोड़ रुपीज का अवार्ड देगी। सिल्वर जीतता है तो 75 लाख देगी, और अगर ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं ओलंपिक में, तो गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, वो उन्हें 50 लाख का इनाम देगी, मीन्स अवार्ड देगी। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इस स्कीम के तहत स्टेट में जितने भी लोकल क्लब है, ओके, 250 क्लब्स को वो 2 लाख पर एनम फंड देगी। उसके अलावा ये भी बोला गया कि पेंशन दिया जाएगा उन अनएम्प्लॉयड स्पोर्ट्स पर्सन और कोच को जिनका उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा है, अगर उन्होंने कभी भी कंट्री को या स्टेट को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल में रिप्रेजेंट किया है, तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा सीमैट के बारे में। तो ये स्कीम को लॉन्च किया गया स्टेट के आर्टिस्ट के लिए, और इस स्कीम के लिए जो फंड का रिक्वायरमेंट है वो है 5.70 करोड़, और इसमें जो स्टेट के आर्टिस्ट होंगे उनको काफ़ी मीन्स बेनिफिट दिए जाएंगे, उन्हें पेंशन दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, फाइनेंशियल सपोर्ट दिए जाएंगे अगर वो कोई भी फेस्टिवल या नेशनल लेवल का कंपटीशन जीतते हैं तो। ठीक है, चलिए, दोनों स्कीम के बारे में हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वुमेन ऑन बोर्ड 2020 रिपोर्ट। मतलब वुमेन ऑन बोर्ड 2020 के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का क्या रैंकिंग है वो आपको बताना है। बताइए क्या रैंकिंग है, इंडिया का रैंकिंग क्या है वुमेन ऑन बोर्ड 2020 के रिपोर्ट में। जल्दी से इसका भी आंसर आप लोग दे दीजिए। वुमेन ऑन बोर्ड रिपोर्ट जो है 2020, उसमें इंडिया का रैंकिंग क्या है, चलिए हम ये बता देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 12। क्लियर? ओके, ये जो रिपोर्ट है उसे पब्लिश किया गया ग्लोबल रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म myhiringclub.com की तरफ से एंड सरकारी नौकरी.info की तरफ से। एक स्टडी को कंडक्ट किया गया था जिसके तहत एक रिपोर्ट बनाया गया, उसका नाम तो वुमेन ऑन बोर्ड 2020। अब ये रिपोर्ट है क्या, ओके, आप लोगों ने आंसर किया है 5D, अनिकेत अजय ने कहा है 5A, वेरी गुड, अजय का सही है अनिकेत, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अभी और भी क्वेश्चन है। ओके, इन दोनों कंपनीज ने मिलकर एक रिपोर्ट स्टडी की, उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार किया। अब ये रिपोर्ट क्या है वो हम बता देते हैं। जैसे हर कंपनी में क्या होता है, बोर्ड्स होते हैं, तो मेंबर्स ऑफ बोर्ड्स में कितनी वुमेन्स प्रेजेंट है वो देखा गया, जिसके तहत जो स्टडी किया गया था
उसमें 36 कंट्री को इन्वॉल्व किया गया और 7,824 लिस्टेड कंपनी को इंक्लूड किया गया, जिसमें सिर्फ इंडिया की 628 कंट्रीज इन्वॉल्व थी, मीन्स इंक्लूड किया गया उसमें, और इंडिया का रैंकिंग 12 आया इसमें। सबसे हाईएस्ट रैंकिंग, मतलब सबसे ज़्यादा अगर रैंकिंग के बारे में बात करें तो वो है नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे का इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पे, जो कि 40.72% उनकी जो वुमेन है वो इन्वॉल्व, आई मीन जो बोर्ड्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ बोर्ड में वुमेन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो है 40.72%। अगर हम बात करें एशिया में, तो एशिया में 54% वुमेन है और सिर्फ इंडिया से 39% वुमेन बोर्ड में इन्वॉल्व है। तो एक तरह से काफ़ी अच्छा ये दिखा रहा है कि हमारी जो इंडियन वुमेन है वो भी बहुत आगे बढ़े, मीन्स उनका जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है और जो एम्पावरमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। आई होप ये और भी अच्छा रैंकिंग आगे बढ़े। सुमन ने कुछ आंसर किया था बट उन्होंने डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर फ्लाइंग कार इज गोइंग टू बी डेवलप्ड इन विच ऑफ दिस स्टेट ऑफ इंडिया। वाओ, हमारा यहाँ पूछा है कि वर्ल्ड का पहला फ्लाइंग कार कौन से स्टेट में इंडिया का डेवलप किया जाए। फ्लाइंग कार है, सोचिए कौन से स्टेट में डेवलप हो रहा होगा। चलिए हम थोड़ा टाइम दे देते हैं आप लोग को ताकि आप लोग भी सोच लें कौन से स्टेट में फ्लाइंग कार को डेवलप किया जा रहा है। चलिए ठीक है, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में पहला फ्लाइंग कार डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन भी हम आपसे शेयर कर देते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड का फर्स्ट कॉमर्शियल फ्लाइंग कार जिसका नाम होगा पेल वी लिबर्टी, इसे गुजरात में डेवलप किया जाएगा, ठीक है। और ये जो कंपनी है वो डच कंपनी है जिसका नाम है पेल वी, और फुल फॉर्म में आप देख सकते हैं पर्सनल एयर एंड लैंड व्हीकल, ये इस कार को डेवलप करेगी इंडिया में, गुजरात में। अच्छा, अजय और निकेत ने आंसर दिया है डी, वेरी गुड। अच्छा, अब अच्छा है ना, ये कार डेवलप हो रहा है तो काफ़ी अच्छा है हम लोग के लिए भी। इतना जो ट्रैफिक जाम होता है शायद फ्यूचर में ये रिड्यूस हो जाए, लेकिन एक वार्निंग भी है, ये फ्लाइंग कार हो तो रहा है तो अब आप लोगों को छत पे कुछ प्रोटेक्शन देना होगा, रूफ समथिंग कुछ करना होगा अपने घरों के ऊपर। क्यों? बिकॉज हम इंडियंस या बहुत सारे लोग होते ना, क्या कहते हैं, खाते या फेंक देते हैं, मीन्स कूड़ा कचरा गाड़ी में से फेंकते रहते हैं। तो अब जब फ्लाइंग कार रहेगा ऊपर से जाएगा तो हमारे सर पे कुछ ना कुछ गिर ही सकता है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए जरूरत है कि हम अपने घर को भी बचा के रखें। चलिए ठीक है, चलते हैं नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ दिस कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट मेंबर ऑफ इंडिया फर्स्ट गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज। यहाँ पे ये बोला है वो कौन सी कंपनी है जो पहली मेंबर बनी है इंडिया की फर्स्ट गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की, जिसका नाम है इंडियन गैस एक्सचेंज। आपको इसका आंसर देना है, ये आई नो थोड़ा ट्रिकी है बट इस ओके, कोशिश कीजिए क्या आंसर हो सकता है। इंडिया की फर्स्ट गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में वो कौन सी फर्स्ट मेंबर है, आपको ये बताना है यहाँ पे। सेवन ए, ओके, अनिकेत ने आंसर किया है 7A। अच्छा, सुमन कुछ आंसर नहीं कर रहे, वो कुछ आंसर किए फिर चले गए, उसके बाद आंसर नहीं कर रहे, क्या हो गया भाई, कुछ तो बोलिए। अच्छा, अनिकेत ने आंसर किया ए, ओके, बट आंसर होगा बी, मणिकरण पावर लिमिटेड, क्लियर। अजय ने भी ए कहा है। अच्छा, आप दोनों एक ही चलते हो ना, ए तो आप लोग भी ए, ठीक है। यहाँ पे वैसा कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको बस यही पढ़ना है कि पहली वो कौन सी मेंबर है जो कि इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की फर्स्ट मेंबर बनेगी, तो MPL, क्लियर। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बोला गया अंशिता शरत कमल इज एन इंडियन प्लेयर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। अंशिता शरत कमल एक इंडियन प्लेयर है और वो किस स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं, इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स वो खेलते हैं वो आपको बताना है। अच्छा, अजय ने कहा मैम सुमन को थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत है। अच्छा
ठीक है, क्या बात, कोई बात है सुमन, आप गलत सही जो आंसर दो, सारे एक्सेप्टेड है यहाँ पे, बिकॉज आप जब गलत दोगे ना तभी आप सीखोगे कि सही क्या होता है। लोग कहते हैं ना कि गिर के ही इंसान चलना सीखता है, तो वैसे ही है। कोई नहीं, आंसर कीजिए 8C, अनिकेत ने कहा 8C, अजय ने भी कहा सी। अगे चलिए हम भी सी की तरफ बढ़ते आगे, तो इसका सही आंसर है टेबल टेनिस। क्लियर, इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर अंशिता सड़क कमल ने इस बार का ITTF चैलेंज सीरीज प्लस ओमन ओपन ए को जीता है, जो कि 15 मार्च 2020 को खेला गया था। इन्होंने अपने पुर्तगाल के कॉम्पिटिटर को हरा के ये अवार्ड जीता है, और ये भी बता देते हैं कि ये इनका पहला सिंगल टाइटल होगा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जो इन्होंने जीता है। अगर ITTF के बारे में हम आपको जानकारी दें तो ये एक एनुअल सीरीज है जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये जो टेबल ITTF है ये दो सीरीज होते हैं इसके, एक्चुअली आई मीन दो टायर, एक होता है आपका ITTF चैलेंज प्लस और एक होता है ITTF चैलेंज। और ITTF चैलेंज जो सीरीज हुआ है वो आपका स्टार्ट हुआ है 2013 से, आई मीन ये सारे जो सीरीज है ITTF के सीरीज जो है वो 2013 से स्टार्ट हुआ है। बट याद रखिएगा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एक गवर्निंग बॉडी है जो कि जितने भी नेशंस में टेबल टेनिस खेले जाते हैं ना उनको ये गवर्न करता है। ओके, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1926 में, मतलब आपका ITTF ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1926 में, ठीक है, और पहला, और ये ऑर्गेनाइज कराता है वेरियस कॉम्पिटिशन, टेबल टेनिस से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं इसको ऑर्गेनाइज कराता है, और ये वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप को भी ऑर्गेनाइज कराता है जो कि सबसे पहला खेला गया था 1926 को ही। तो आप लोग ITTF होना तो कंफ्यूज मत होना, ITTF एक गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, और ITTF सीरीज सबसे पहले खेला गया था 2013 में, ये सीरीज खेला गया था। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज क्लेम द मेन सिंगल टाइटल ऑफ 2020 ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। यहां पे आपसे ये पूछा गया है कि मेन सिंगल टाइटल जो कौन जीता है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में, नाम दिए गए हैं, बताइए कौन होगा, कौन जीता है, इंडियन नहीं है, कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो जीता ही है, होपफुली नेक्स्ट ईयर इंडियन भी जीत जाए, बताइए कौन जीता है इस बार का ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेन सिंगल टाइटल को। ओके, इसका सही आंसर हम बता देते हैं, इसका सही आंसर है 9C, विक्टर एलिक्सन। ओके, 9 का सही आंसर होगा सी, विक्टर एलिक्सन। चलिए, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं विक्टर डेनमार्क के रहने वाले, उन्होंने जीता इस बार का ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप टाइटल को, और उन्होंने डिफीट किया ताइवान के चाओ टिंग चू को, चुन के, सॉरी चिन को। ओके, हम आपको बता दें कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि वुमेन कैटेगरी में इस अवार्ड को किसने जीता है, तो वुमेन कैटेगरी में इस अवार्ड को ताइवान की ताई त्यूंग यिंग ने इस अवार्ड को जीता है। उन्होंने वर्ल्ड वन चैंपियन जो मतलब वर्ल्ड नंबर वन जो प्लेयर थी जिनका नाम था चेन यू फी, उनको हराते हुए इस अवार्ड को वुमेन कैटेगरी में जीता है, और ये इनका तीसरा अवार्ड जो तीसरा टाइटल होगा ऑल इंग्लैंड ओपन का टाइटल होगा, वुमेन कैटेगरी की हम आपको बात कर रहे हैं। और इस बार जो ये ऑल इंग्लैंड खेला गया इंग्लैंड चैंपियनशिप, इसे खेल ये है आपका 1-1-12 एडिशन, और इसे खेला गया था 11-15 मार्च को, और कहाँ खेला गया था ये भी जान लीजिए, तो इंग्लैंड में खेला गया था। मीन्स एक क्वेश्चन बट आपके 3 से 4 आंसर, वुमेन कैटेगरी में कौन जीता, मैन कैटेगरी में कौन जीता, कहाँ पे खेला गया, ये सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, द यूएस, अच्छा बच्चों ने आंसर दिया था, अनिकेत ने कहा है डी और अजय ने कहा है सी, अच्छा ठीक है। अब हम आगे बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे द यूएस साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड अ न्यू ट्री हॉपर स्पीशीज इन निकारागुआ
एंड हैज नेम आफ्टर विच सेलिब्रेट, एक न्यू स्पीसीज टी होपर स्पीसीज की खोज की गई है और उसको एक सेलिब्रिटी का नाम दिया गया है, तो वो कौन सी फेमस सेलिब्रिटी है जिनके नाम पे उस स्पीसीज का नाम रखा गया, आपको बताना है। अच्छा आपने बता दिया, अनिकेत ने 10 का बी, ओके चलिए फिर हम भी आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो सॉरी पहले आंसर हम बता देते हैं। अनिकेत आपने बिल्कुल सही कहा था, ठीक है, लेडी गागा। अजय ने भी बी कहा है, एक न्यू स्पीसीज टी हूपर स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है और इसका नाम रखा गया अमेरिकन पॉप स्टार लेडी गागा के नाम पे, और इसका नाम होगा काइकिया गागा, ठीक है याद रखिएगा काइकिया गागा, लेडी गागा के ऊपर नाम रखा गया। लेडी गागा के बारे में बता दें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं अमेरिकन पॉप स्टार है, उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, वो सॉन्ग्स भी लिखती हैं और ये ज़्यादातर एक्चुअली फेमस होती है अपने आउटेजियस कॉस्ट्यूम्स की वजह से, अपने जो ड्रेसेस है ना उनके चलते भी ज़्यादा फेमस रहती है। जैसे अगर आपको याद होगा तो 2010 में उन्होंने एक मीट ड्रेस पहना था, रॉ मीट उसका ड्रेस पहना था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। क्लियर, अगेन तो यहाँ पे हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स खत्म होता है और जैसे कि आप जानते हैं हम आपके लिए नेक्स्ट लेके आते हैं यूटी, तो चलिए जानते हैं आज क्या यूटी लेके आए हैं हम, तो आपके लिए हम लेके आए जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जानते हैं। अच्छा अजय ने कहा मैम मेरा 2 रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं बच्चा, बाकी 8 तो सही हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, कोशिश कीजिए नेक्स्ट टाइम से सारा सही हो जाएगा। तो जब अच्छा मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से दिखे, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हम जानते हैं तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करता था जिसमें लद्दाख भी इंक्लूडेड था, मीन्स जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों एक ही हुआ करते थे, बट 2019 में जम्मू एंड कश्मीर से 370 और 35A को हटा दिया गया और उसके बाद से दोनों लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को अलग करके उन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और ये कब से फॉर्म में है तो ये 31 अक्टूबर 2019 से इसे ऑफिशियली यूटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। 370 और 35A के बारे में आप सभी को पता होगा, इसके तहत क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग फ्लैग था, उनके अपने नियम कायदा अलग थे, वहाँ पे एज भले वो इंडिया का पार्ट था बट हम इंडियंस वहाँ पे लैंड्स नहीं खरीद सकते थे और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे वहाँ पे, उन सभी को हटाते हुए गवर्नमेंट ने 370 और 35A को कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया और इसे यूटी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू, कैपिटल यहाँ पे है श्रीनगर जो कि यहाँ की समर कैपिटल है और जम्मू है यहाँ का विंटर कैपिटल। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 22 है, लिटरेसी रेट है 67.16 एज पर 2011 डेटा, पॉपुलेशन रेट यहाँ की बात करें तो ये है 1.25 करोड़ एज पर 2011 डेटा, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे उर्दू है बट यहाँ का रीजनल लैंग्वेज भी कश्मीरी है। यहाँ के अगर नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे पहले हेमिश नेशनल पार्क, दाचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। क्लियर, तो चलिए यूटी तो खत्म हो गया, अब हम होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने जो आपके लिए होमवर्क लाया है वो है द कैबिनेट हैज अप्रूव हाउ मच हाइक इन द डीएनएस अलाउंस, कैबिनेट ने डीएनएस अलाउंस में कितना हाइक का अप्रूवल दिया अपने सेंट्रल इंप्लॉयज के लिए, वेरी इजी, आई होप आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन डिक्लेयर एज द वर्ल्ड फर्स्ट डार्क स्काई नेशन, इनमें से वो कौन सा कंट्री है जिसे कि फर्स्ट डार्क स्काई नेशन का अवार्ड डिक्लेयर किया गया है। ओके वेरी सिंपल, आई नो आप लोगों को पता होगा, लास्ट डे हमने आपको क्या होमवर्क दिया था वो भी जान लेते हैं। अच्छा अनिकेत ने कहा है मैं भी गलती हूँ 3 या 4, अच्छा 3 या 4 गलत है, कोई बात नहीं, गलतियाँ माफ़ है लेकिन आप पार्टिसिपेट करो, आप आंसर करो, वो हमें बहुत अच्छा लगता है, इससे पता चलता है कि आप बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए नया हमेशा कुछ लेके आए। क्लियर, तो लास्ट डे हमने आपको जो होमवर्क दिया था उसमें पूछा था वेयर वॉज द नेशनल वर्कशॉप ऑन एक्सप्लोसिव डिटेंशन हेल्ड, एक्सप्लोसिव डिटेंशन हेल्ड पे जो वर्कशॉप हुआ था नेशनल लेवल का वो कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि है पुणे। नेक्स्ट हमने आपको जो होमवर्क दिया था उसमें हमने आपसे पूछा था वेयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च पेंशन अदालत आउटसाइड दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम, पेंशन अदालत इंडिया ने दिल्ली के बाहर पहली बार कहाँ पे किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि जम्मू। क्लियर, ओके
2D. अच्छा होमवर्क का निकेत ने आंसर किया 2D. दैट्स वेरी गुड. ऋतिक अभी फिलहाल आए. हाय मैम. हाय ऋतिक. अच्छा अजय ने भी आंसर किया है 2D. गुड. प्रियंका गांगुली 2D. अच्छा सेशन खत्म हो रहा है तो बहुत सारे बच्चे आंसर दे. उसके पहले क्या था, आप लोग आंसर नहीं दे रहे थे? कोई नहीं, बट इट्स वेरी गुड कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप लोग होमवर्क का आंसर दे रहे हो. हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है. एंड आई होप कि अगले सेशन में आप थोड़ा जल्दी आए, थोड़ा जल्दी पार्टिसिपेट करें तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा. तो इसी के तहत आज का होमवर्क का नंबर, अच्छा अजय ने आज का होमवर्क का भी आंसर दे दिया, बट इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे. तो वैसे में बहुत अच्छा लगा कि आप बच्चे इसके साथ पार्टिसिपेट किए. अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.